नमस्कार, मैं हूँ रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज दोपहर में मुलाकात की। सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश की राजनीति में हलचल होना लगभग तय है। चलिए आपको सीधे उस वीडियो की तरफ ले चलते हैं जिसमें भगवंत मान केजरीवाल को मिल रही सुविधाओं के बारे में काफी कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। आधे घंटे की मुलाकात थी, 12 से 12:30 बजे। और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल के मैनुअल को देखिए, जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है, इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदंबरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1-to-1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो, उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है, पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने का प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है, असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार? आम लोगों के लिए कन्याकुमार के लिए वो खुद दिल्ली से इलेक्शन है, तो इंडिया गठबंधन का अपना फैसला है जी। एक सवाल ये कह रहा है कि केजरीवाल के जेल में आने के बाद पार्टी में भगदड़ मच चुकी है, कौन करता है भगदड़ मच चुकी है? आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन ग्रुप है, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली जमात है, हमारी पूरी पार्टी एक साथ है, चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना, 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरे। आज जब सर से मिले तो हम सब ने पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपका हेल्थ तो ठीक है, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू है, मिल रही है? उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट लग तो नहीं रहे? उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयां मिल रही थी क्या वो दवाइयां अभी भी मिल रही है? उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी फ्री में महिलाओं को, क्या वो अभी भी कंटिन्यू है? उन्होंने सारी चीजें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो दो दो मंत्रियों को बुलाएंगे और दो दो मंत्रियों को बुलाकर
दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में, घर घर में, अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए, जो 1,000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना। सबसे बड़ी बात ये कही कि संगठन, संदीप संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये भी उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़े और हम ही जीते। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब MLA और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें। स्वाद ठीक है, देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे। जब जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे, प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।